सेपटे राजधानी दिल्ली में सांघातिक होउछि वायु प्रदूषण। दीपावली दुई दिन पर भी वायुर मान विपज्जनक स्थिति में रही। गत 5 वर्षर रेकर्ड काटी देइछि चलित वर्षर वायु प्रदूषण। एम्स निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया कहते दिल्लीर वायु धूमपान ठू अधिक क्षतिकारक हो सारी। अध्ययन कहूँ वायु प्रदूषण जो दिल्ली बासिंदा जीवन काल कमी कमी जाऊँगी। अधिकांश लोक फुसफुस कला पड़ जा। दीपावली बाण फुटाई आरंभ कर अधिक गाड़ी चलाइबा कारण प्रदूषण अधिक बढ़ी। प्रदूषण जो संक्रमण अधिक बढ़वे सेपटे दिल्ली प्रदूषण रोकने को जरूरी पदक्षेप ग्रहण करुछंती दिल्ली सरकार। रास्तार पानी छिंचाई 114 पानी टैंकर व्यवस्था करा जाइछि। एथि सहित 92 निर्माण स्थल बंद करने को निष्पत्ति निया जाइछि। I mostly see people who are above 5 years of age, so of that we are getting children, we are getting young adults and even elderly who are coming with all kinds of respiratory problems. Even people who don't have previous respiratory disease, apparently normal people, they are also getting more coughs and colds during these times. जो साइंटिस्ट हैं उनसे हमने बात की कि भाई 4 तारीख को दिवाली थी और आज भी प्रदूषण का स्तर अगर काफ़ी खतरनाक स्थिति में है तो उसका कारण क्या है। अभी जो सारे आंकड़े हमने एनालाइज किए हैं उसमें इस बात को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले 5-6 दिनों में लगातार पराली की स्थिति बढ़ी है। दिवाली के दिन उसमें जंप हुआ और साथ साथ जो पटाखे यहाँ छोड़े गए उन दोनों ने मिलकर के हवा की स्थिति को खतरनाक बनाया है। इसलिए पराली जो पटाखे का प्रदूषण है वो तो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, लेकिन जो पराली जलने की घटनाएँ हैं वो जब तक नहीं रुकती हैं तब तक जो है दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है बना रहेगा। इसलिए आज अभी हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बुलाई जाए और तत्काल इसको कैसे रोका जा सकता है इसके इमरजेंसी मेजर्स को जो है तत्काल डिसाइड करके और उसको एक्ट किया जाए, जिससे कि उस प्रदूषण के स्तर को पराली की वजह से जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके।